एपिसोड की शुरुआत में हमें कोरोना को दिखाया जाता है जहाँ पर कोरोना एक जगह पर होती है और उधर वो सरकार को आकुतों के बारे में वो डिटेल्स दे रही होती है और सरकार कोरोना को बोलती है तुम्हें आकुतों को सीड्यूस करना पड़ेगा और उधर कोरोना मन जाती है और से कुछ टाइम बातें करने के बाद हमें दिखाया जाता है आकुतों लोग बीच पर होते हैं और आकुतों इधर उधर देख रहा होता है और तभी कहना आकुतों को देख कर वो बोलने लगती है आकुतों तुम आज बहुत हैप्पी लग रहे हो क्या तुम मुझे स्विमसूट में देख कर इतना हैप्पी हो और सुनकर आपको तो बोलने लगता है तुम तो अभी तक मैच्योर भी नहीं हुए हो तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो और सुनकर कहना अपना मुंह फुला लेती है और उसके बाद कहना कुछ बोलने लगती है और तभी कोरोना ने आकर आकुतो के पेट पर वो अपना वो दोनों उसके पेट पर लगाने लगती है और बोलने लगती है ये एक लोशन है तुम्हें ऐसा लेना चाहिए। और सुनकर आकुतो आगे चला जाता है और बोलता है तुम लोग स्विमसूट पहन रहे हो लेकिन मुझे तुम सब के साथ ये सब नहीं करना है। और सुनकर कोरोना ने अपना स्विमसूट खोल लेती है और फिर कहना आकर कोरोना को कपड़े से ढक देती है और उसके बारे में दिखाया जाता है रात को आकुतो बिस्तर में सोकर कुछ सोच रहा होता है यानी वो स्कूल के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसके पास कोरोना आकर सो जाती है और वो आकर बोलती है आकुतो हम लोग बीच में कुछ नहीं कर पाए लेकिन इधर कोई नहीं है चलो हम लोग करते हैं यानी वो हबीज वाली बातें करने लगती है और सब सुनकर आकुतो बोलता है तुम ये सब करने फील लग गई। और फिर कोरोना अपना हाथ आकुतो के उस पर ले जा रहा होता है और देखकर आकुतो उसका हाथ हटा देता है और वो बिस्तर पर बैठ जाता है और बोलता है तुम ये सब करना बंद करो। और इधर कोरोना भी बिस्तर पर बैठ जाती है और वो बोलती है तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो सब कुछ मुझे मालूम है इसलिए चलो आज रात के लिए हम दोनों एक साथ सोते हैं प्लीज आज रात मेरे साथ सो जाओ। और ये बोलकर वो आगे आ रही होती है और इधर आकुतो कुछ बोल रहा है जिसे सुनकर कोरोना अपने जगह पर चली जाती है यानी वो अलमारी में सोने के लिए चली जाती है। और उसके बारे में सुबह दिखाया जाता है जब पर कोरोना आकुतो को नींद से जगा रही होती है और इधर आकुतो नींद से नहीं जग रहा है और ये देखकर कोरोना आकुतो के उधर मारने लगती है जिसकी वजह से आकुतो को बहुत दर्द होता है और वो नींद से जग जाता है। और इधर आकुतो उसे पूछने लगता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और इधर कोरोना कुछ बोलने लगती है और उसके बाद कोरोना एक कपड़े को निकालती है और वो पहन लेती है और इधर उस कपड़े को देखकर आकुतो बोलता है तुम ये सब क्या पहन रहे हो यानी उस कपड़े के पीछे से कोरोना की पिसवारा निकल रही होती है। और ये सब देखकर आकुतो अपने अंदर सोचने लगता है कोरोना को कोई भी पसंद नहीं करता है इसलिए वो शायद ये सब कर रही है मुझे कुछ करना होगा। और ये सोचकर वो खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है असल में मुझे एक लड़की पसंद है इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। और सुनकर कोरोना बोलने लगती है तुम चिंता मत करो सिर्फ तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखो। और सुनकर आकुतो उसे साफ साफ मना कर देता है और इसके बारे में देखा जाता है आकुतो स्कूल में जा रहा होता है और उसके साथ कोरोना भी आ रही होती है और तभी उसके पीछे से हीरो से आता है और हीरो से आकर बोलने लगता है कोरोना तुम आज बहुत क्यूट लग रहे हो। और सुनकर कोरोना बोलते हैं सिर्फ आज नहीं मैं हमेशा क्यूट ही लगती हूँ। और सुनकर हीरो से बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा और इधर कोरोना बोलते हैं लेकिन मुझे आकुतो हमेशा इग्नोर करता है। और उसके बाद कोरोना आकुतो को बहुत सीरियस करता है जिसकी वजह से आकुतो एक अलग सा दुनिया में आता है यानी वो उस ड्रैगन के पास आता है। और इधर आकुतो को देखकर वो ड्रैगन पूछता है तुम किस रीजन से मेरे पास आए हो और इधर आकुतो बोलता है मैं कोरोना से बचने के लिए इधर आ गया। और इधर आकुतो देखता है कि कहीं ना उस ड्रैगन के ऊपर सो रहा है और इधर वो ड्रैगन बोलने लगता है ये फर्स्ट इंसान है जिसने मुझे टच किया है। और इधर आकुतो कहना की तारीफ करते लगता है और तभी उसके पीछे से कोरोना आ जाती है और इधर कोरोना आकर आकुतो को कुछ बोलने लगती है और इधर इन लोगों के बातों के बीच में वो ड्रैगन कुछ बोलने लगता है और इधर ये सुनकर कोरोना बोलती है तुम कोरोना के साथ वो करो यानी वो ड्रैगन को बोलता है और इधर ड्रैगन बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और सुनकर आकुतो बोलता है ये अच्छा बात नहीं है कहना के इस सब के बिना ये सब करना अच्छा नहीं है। और तभी वो ड्रैगन बोलता है हम लोग तो ये जोक कर रहे थे यानी हम लोग तो मजाक कर रहे थे। और इधर कोरोना फिर से आकुतो के साथ वो हबस भले बातें करने लगती है और इधर ये सब सुनकर आकुतो बोलते तुम ये सब फिर से बकने लग गए। और इधर कोरोना बोलती है मुझे पता है तुम्हारे फीलिंग्स क्योंकि मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकती हूँ। और उसके बाद हमें बीच पर दिखाया जाता है जब हाथों रे आकुतो को गुस्से से गाली दे रही होती है यानी इधर हमें दिखाया जाता है कोरोना नंगी होकर वो गिरी हुई होती है और इधर आकुतो उसका वो दबा रहा होता है। और इधर हथौड़ी को देखकर कोरोना बोलने तुम हमसे जल रहे हो लेकिन कोई बात नहीं आकुतो तुम्हारे साथ भी ये करेगा
और ये बोलकर कोरो ने अगतो का हाथ ले जाकर हाथोरी के उधर रख देती है। और उधर हाथोरी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना तलवार निकाल लेती है और वो अगतो के ऊपर अटैक कर देती है। और उधर अगतो वो यानी वो हाथोरी की अटैक को रोक लेता है। और उसके बारे में देखा जाता है कोरो ने हाथोरी को माफ़ी मांग रही होती है। और उसके बाद कोरो ने फिर से वो हबस वाली बातें करने लगती है, जिसे सुनकर हथौड़ी बहुत गुस्सा होती है। और उन लोगों के पास बहुत सारे लोग होते हैं जो उन लोगों को देख रहे होते हैं। और सारे लोग को गंदा गंदा बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर हो तो उन लोगों के पास आता है और बोलने लगता है, तुम लोग जैसे सोच रहे हो ऐसा नहीं है। और उधर हथौड़ी उन लोगों से तंग होकर वो अकेले एक जगह पर आती है और उधर वो समंदर की ओर देख रही होती है। और तभी अकुतो वहाँ पर आ जाता है और उधर अकुतो आकर बोलता है, चलो हम लोग समुंदर में जाते हैं। और सुनकर हथौड़ी बोलती है, तुमने भी क्या कहा। और उधर अकुतो बोलने लगता है, यानी वो माफ़ी मांगने लगता है, जिसे सुनकर हथौड़ी बोलती है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, सब कोरोने ने की है। और सुनकर अकुतो खुश हो जाता है और वो कुछ बोलने लगता है, जिसे सुनकर हथौड़ी हंसने लगती है। और उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। और उसके बारे में देखा जाता है वहाँ पर केना भी आती है। और उसके बारे में देखा जाता है वो लोग तीनों मिलकर समुंदर में नहाने के लिए जाते हैं। और उसके बाद केना पानी के नीचे से एक समुंदर का कीड़ा निकल के लाती है। और केना उस चीज़ के साथ खेलने लग जाती है। और तभी उस चीज़ के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद कृमि जैसा कुछ निकल के आते हैं। और इधर वो जाकर हथौड़ी के मुंह पर गिर जाते हैं। और इधर हथौड़ी रोक कर अकुतो को पकड़ लेती है, जिसे देख कर अकुतो बोलता है, तुम थोड़ा सा पीछे जाओ, मैं इसे हटा देता हूँ। और ये बोलकर अकुतो उसके मुंह से वो सब निकलने लगता है। और भी हथौड़ी उसे साइड हो जाती है और बोलती है, रॉन्ग आइडिया है। और उसके बाद अकुतो हथौड़ी के पास आ जाता है और वो फिर से उन चीज़ों को निकालने लगता है, यानी वो हथौड़ी के मुंह से उन चीज़ों को निकालने लगता है। और उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं, जब पर हथौड़ी बोलती है, तुम केना को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती हो लेकिन मुझे क्यों नहीं बुलाते और हो। सुंदर को तो बोलता है, ठीक है, आज से तुम्हें भी अपना फर्स्ट नाम से बुलाऊंगा, जुंको सैन। और अभी हथौड़ी के पीछे से कोरोने आती है। और इधर कोरोने आकर हथौड़ी के कपड़े को खोल देती है। और इधर हथौड़ी शर्म से पानी के नीचे से उस जगह से चली जाती है। और इधर आपको तो कोरोने को बोलने लगता है, तुम सबके साथ ये सब क्यों करने लग गई हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। जैसे सुनकर कोरोने दुखी हो जाती है और वो अगतो को कुछ बोलकर उधर से चली जाती है। और उधर हथौड़ी भी सब कुछ सुन लेती है। और उसके बाद हथौड़ी और अगतो के बीच में कुछ बातें होता है। और उसके बारे में शाम के वक्त दिखाया जाता है, जब पर हथौड़ी लोग एक साथ जा रहे होते हैं। और तभी अगतो रुक जाता है और वो बोलने लगता है, मुझे लगता है कोई मुझे देख रही है। और तभी कहना आकर यानी कहना अगतो के पास आती है और इधर वो हिरोशी को दिखा देती है, जहाँ पर हिरोशी कुछ अलग जगह पर जा रही होती है। और उसके बाद दिखाया जाता है अगर तो हिरोशी के पास आ जाता है और इधर पूछता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। और सुनकर हिरोशी बोलता है, असल में ये मेरा होम टाउन है। और सुनकर अगर तो बोलता है, मतलब तुम अपने घर जा रहे हो। और सुनकर हिरोशी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और ये बोलकर उधर से जाने लगता है। इधर अगर तो बोलता है, सच में तुम घर जा रहे हो। और इधर हिरोशी उसे एक डिमन किंग की कहानी सुनाने लगता है, यानी वो कहानी को बोल के जाने लगता है। जिसे सुनकर अगर तो बोलता है, ये तो 100 साल पहले हो गया था। और इधर हिरोशी रोते हुए बोलता है, तुम मुझे इसके अलावा और कुछ मत पूछना। और सुनकर अगर तो बोलते, तुम ये सब क्या कह रहे हो। और हीरो से बोलता, क्योंकि तुम स्ट्रोंग हो। और ये बोलकर हीरो से रो रो कर उधर से चला जाता है। और तभी अगर तो एक मॉन्स्टर की आवाज़ सुनने को मिलता है। और उसके बाद में देखा जाता है, रात के वक्त सारे स्टूडेंट मजे कर रहे होते हैं। और उधर अगर तो एक जगह पर जाने के लिए आता है, तभी वो टीचर को देखता है, जहाँ पर टीचर दारू पीते हुए उसको कुछ बोल रही होती है। लेकिन अगर तो उधर से चला जाता है। और वो आकर जूता पहनता है। और तभी वहाँ पर कोरोने आती है। और उधर कोरोने आकर बोलते हैं, अब तो तुम्हें सब लोग देख रहे हैं। और इधर हमें दिखा जाता है फुजिको को, जब फुजिको उस ड्रैगन के साथ बातें कर रही होती और है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है, यानी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और जब लिली आकर फुजिको को कुछ बोलने लगती है, जब पर वो बोलती है कि अगर तो सीरियस किया जा रहा है। और ऐसे ही वो अकुतो के बारे में बोलने लगती है। और ऐसे ही कुछ टाइम उन दोनों के बीच बातें होते हैं। और इधर लिली उधर से चली जाती है। और इधर फुजिको फिर से उस ड्रैगन के साथ बातें करने लग जाती है। और इधर हमें देखा जाता है, अकुतो और कोरोने एक साथ कहीं पर आता है। और इधर अकुतो को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। और फिर कोरोने उसे कुछ बोलकर उधर से भाग कर चली जाती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है, अकुतो अकेले ही एक जगह पर जाता है। और इधर वो आकर ऊपर की ओर देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर केना आ जाती है। और केना को देखकर आपको तो पूछता, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। और इधर केना बोलती, मुझे फुजिको ने बोला है कि तुम यहाँ पर हो। और उसके बाद केना कुछ पीने लगती है, जिसे देखकर आपको तो पूछा, वो तुम क्या लाई हो।
और तो केना बोलने लगती है। ये एक नया ड्रिंक है जो राइस से बनाई जाती है, तो तुम भी इसे पी लो। और ये बोलकर वो अकुतो को पीने के लिए देती है, और अकुतो उसके खुशबू से ही उसे पता चल जाता है वो एक एल्कोहल है। और केना नशे से गिरने वाली होती है, और उधर अकुतो उसे पकड़ लेता है और वो केना का सर उधर बैठ जाता है। और तभी केना अकुतो के कान पर काटने लगती है, और अकुतो केना के बल पर वो चीज देख लेता है, यानी वो जो केना गायब होने पर वो चीज आता है वो चीज देख लेता है। और वो चीज देख कर अकुतो को महसूस होता है कि वो केना से पहले भी कभी मिला है, और वो केना को बोलता है। और केना बोलती है हाँ हो सकता है हम पहले भी कभी मिला है, वो भी बहुत पहले। और ये बोलकर वो अकुतो के पैर में ही सो जाती है। और अकुतो केना को देख कर कुछ सोचने लगता है, और तभी केना नींद से जाग कर बोलती है अकुतो मुझे पता है तुम मुझे किस करने के लिए सोच रहे हो। और ये बोलकर वो अकुतो को किस करने के लिए आती है, और फिर कोरोने पीछे से आकर अकुतो को पीछे से लात मार देती है। और इधर अकुतो उसे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, और इधर कोरोने उसे कुछ बोलने लगते है। उधर अकुतो को कुछ सुनने को मिलता है, इसलिए वो पीछे की ओर मुड़ कर देखता है, और फिर कोरोने को कुछ हो जाते हैं जिसकी वजह से अकुतो चिल्लाता है, और ये एपिसोड एंड हो जाता है।